अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही खास और फेमस दाल गोश्त की रेसिपी। आज की रेसिपी बीफ के गोश्त और पंचमेल दाल के साथ बहुत ही स्पेशल होने वाली है। ये दाल गोश्त की रेसिपी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही खास बनकर तैयार होगी जब आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे। तो इसे आजमाएं और मुझे यकीन है कि ये दाल गोश्त आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले शुरुआत गोश्त से करेंगे। इसके लिए मैं ले रही हूँ आधा किलो बीफ का गोश्त साफ धुला हुआ। इसकी जगह पर आप मटन ले सकते हैं। सबसे पहले प्रेशर कुकर में तेल लेकर गरम करें। तो यहाँ पर मैं 2 बड़े चम्मच यानी कि 200 ग्राम तेल लेकर गरम करूँगी। फिर गरम तेल में 3 लौंग और 2 तेज पत्ते डालकर हल्का सा आधा मिनट के लिए भून लें। फिर 3 मीडियम साइज की प्याज स्लाइस में कटी हुई डालें और प्याज के गुलाबी और नरम होने तक भूनें। प्याज हल्का सुनहरी हो गया है, अब इसमें हम बीफ के टुकड़े डालेंगे और तेज़ आंच पर 1 से 2 मिनट के लिए भूने, हाई फ्लेम पर कलर चेंज होने तक। गोश्त को 2 मिनट भूनने के बाद इसका कलर जो है चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं। इसमें हम इस स्टेज पर डालेंगे पाउडर मसाले, लाल मिर्च पाउडर 2 छोटे चम्मच और 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, भुना जीरा पाउडर 1 छोटा चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 छोटा चम्मच। ये गरम मसाला पाउडर मेरे घर का बना हुआ है, आप मार्केट से कोई सा भी गरम मसाला पाउडर ले सकते हैं और इसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। 1/4 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, ये कलर के लिए। 1/2 छोटा चम्मच अदरक का पाउडर, इसकी जगह पर आप ताज़े अदरक का पेस्ट 2 छोटे चम्मच ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और इन सब के साथ बहुत ही खास चीज़, जी हाँ, नमक 1 और आधा चम्मच। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड कीजिए। मसाले को जलने से बचाने के लिए इसमें जाएगा 3 टेबल स्पून पानी। अच्छे से मिक्स करेंगे। गोश्त में पाउडर मसाले डालते समय गैस की फ्लेम को लो कर लें। फिर मीडियम हाई फ्लेम पर गोश्त को हम मसाले के साथ 2 मिनट के लिए भून लेंगे, अच्छे से कस लेंगे, जिससे मसाले की अच्छी सी खुशबू गोश्त में आ जाएगी। गोश्त को 2 मिनट भूनने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे कटे हुए टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 3 टमाटर के मोटे मोटे पीस कट कर लिए थे, डाल देते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर को 2 मिनट के लिए भून लेंगे। इसके लिए कुकर को ढक्कन से ढक दें। टमाटर को अच्छे से भूनने के बाद आप इसमें 1 कप पानी डाल दें और पानी डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लें। फिर कुकर के ढक्कन को लगा कर गोश्त को गलने तक पकाएंगे। तो 2 सीटी हाई फ्लेम पर ले लें, फिर लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट तक पकाएं। गोश्त और चूल्हे की आंच किस तरह की है इस आधार पर भी पकने का टाइम अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप में हम दालों को अच्छी तरह से पकाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि इसे किस तरीके से हम पकाएं। तो चलिए सबसे पहले हम दाल की क्वांटिटी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए है मसूर की दाल, राहर की दाल और चने की दाल। ये तीनों दालें मेजरमेंट्स में एक बराबर हैं, मतलब आधी आधी कटोरी मैंने ली है ये तीनों दालें, और 1/4 कटोरी मैंने यहाँ पर ली है मूंग और उड़द की दाल। ये दोनों दालें बराबर क्वांटिटी में हैं। दाल को पकाना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, जिसमें दाल ना तो पानी वाली होनी चाहिए और ना ही बहुत मोटी और दानेदार होनी चाहिए। आमतौर पर मसूर और चने की दाल का इस्तेमाल दाल गोश में किया जाता है और पका हुआ मसूर एक मलाईदार बनावट देता है और चना दाल इसे टेस्टी बनाता है। तो ये सबसे टेस्टी दाल होती है चने की इसमें, और जो जो दाल इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये सारी दालें दाल गोश्त को टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी बनाएगी। अब एक प्रेशर कुकर ले लें, उसमें 4 छोटे गिलास या फिर 1 लीटर के करीब पानी डालकर इसमें सभी दालें इकट्ठे धोकर डाल दें। 2 हरी मिर्च लेकर बीच से 2 हिस्सों में काट लें और डाल दें। इसी के साथ इसमें जाएगी हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक स्वाद के अनुसार। तो यहाँ पर मैं 1 छोटा चम्मच नमक ऐड करूँगी। प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर दें और दाल को मीडियम आंच पर 2 सीटी आने तक पकाएं। अब इधर हम गोश्त को चेक कर लेते हैं। तो कुकर का प्रेशर ऑटोमेटिक तौर पर रिलीज हो गया है। ढक्कन को हटाकर गोश्त को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, गोश्त बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो गया है।
अगले स्टेप में हम दाल को चेक कर लेते हैं, तो इसका प्रेशर भी ऑटोमेटिक रिलीज हो गया है। कुकर के ढक्कन को हटाकर दाल को चेक करेंगे। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से दाल गल गई है। इसे हम थोड़ा सा घोट लेंगे चम्मच की मदद से इसे चलाते हुए। अगले स्टेप में दाल को और गोश्त को हम एक साथ पकाएंगे और चंद खुशबूदार मसाले का भी इस्तेमाल करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, और जैसे जैसे मैं करती जा रही हूँ वैसे वैसे आप भी करते जाएं, तो आपका दाल गोश्त बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो गोश्त में से हम यहाँ पर थोड़ा सा तेल अलग कर लेते हैं, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब जो दाल हमने उबाल कर रखी थी उसे गोश्त में डालकर अच्छे से मिला देना है। अब दाल गोश्त को हाई फ्लेम पर एक उबाल आने तक पकाना है। दाल गोश्त में अच्छा सा उबाल आ गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे खुशबू वाला गरम मसाला पाउडर। दाल गोश्त में जान आ जाएगी, इसका टेस्ट लाजवाब बनेगा और बहुत ही खुशबूदार टेस्टी दाल गोश्त बनकर के तैयार होता है। और साथ ही ये थोड़ी सी कटी हुई पुदीने की पत्ती, आप हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। इस खुशबूदार गरम मसाले की वीडियो भी मैंने बनाई है और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप इसे चेकआउट कर लीजिएगा। तो गैस को बंद कर दें और दाल गोश्त को इसी तरह से ढककर रख दें 3-4 मिनट के लिए, जिससे कि इसमें बहुत अच्छी सी गरम मसाले की खुशबू रच बस जाएगी। तब तक दाल गोश्त को और ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए एक तड़के पैन में 1 टेबल स्पून देसी घी डालकर गरम कर लें। देगी स्टाइल अचारी बिरयानी, सूफियाना पुलाव और बटन की बहुत सारी मज़ेदार रेसिपीज देखने के लिए सबसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो इसमें हम एक प्याज की स्लाइस डालकर इसे ब्राउन फ्राई कर लें और इस तड़के को हम डाल देंगे दाल गोश्त में। अब जो तरी हमने गोश्त में से उठाकर रखी थी ना, वो इसमें डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। लीजिए दाल गोश्त बनकर तैयार है, इसे सर्व करते हैं फटाफट। बहुत ही यम्मी सा मज़ेदार और टेस्टी दाल गोश्त है, इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फैमिली के मेंबर्स और मेहमानों से ढेर सारी तारीफ पाइए। कुछ अनोखे सुपर डिलीशियस और मज़ेदार रेसिपीज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसे तंदूरी रोटी, बटर नान और बटर कुलचा जैसी कई तरह की ब्रेड के साथ सर्व करें। ये चावल के साथ सबसे अच्छा जाता है। इसके साथ जाने के लिए जीरा चावल और बघारे चावल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।